With Guwahati going to polls in the third phase of the Lok Sabha elections, a cycle rally was held today in the city as part of systematic voters' education and electoral participation to create awareness among the voters in Guwahati. The third phase of Lok Sabha elections in 4 constituencies of Assam will be held on the 7th of May. Today it is a great moment of pleasure and pride to be here with a huge round of applause. The cycle rally has been flagged off by our respected predecessor, Aretya Amit, cycle rally members of Akbar. First team will proceed from this venue towards Corbary, pass through Naringi, Jutini Ali, and return to this position. A huge round of applause for the young cyclist. वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम आज हमने उसके अंतर्गत आज साइकिल रैली यहाँ पे हमने करी है गुवाहाटी के अंदर। 7 मई को जो हमारा पोल होने वाला है, तो इसके अधीन हम लोग 2 तरफ का रास्ता निकाले हैं। 2 हम लोगों ने रूट लिए हैं और हम लोग का प्लान ये है कि हमारे 5 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी गुवाहाटी के अंदर पड़ते हैं, उसमें से 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी इसके अंतर्गत कवर हो जाएंगी। तो यहाँ से एक रैली जाएगी जो उलूबारी तक कवर करके आएगी, दूसरी रैली हमारी नारंगी तीनियाली तक कवर करके आएगी। तो काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है। सुबह सुबह साइकिल एसोसिएशन के लोगों को भी हम प्रशासन की तरफ से धन्यवाद देते हैं, और पिछले 2 महीने से काफ़ी कुछ वोटर अवेयरनेस के लिए किया गया है। आप लोग के माध्यम से भी हम लोगों ने काफ़ी इवेंट्स लॉन्च किए हैं, और हम आशा करते हैं कि इस बार भी पोलिंग परसेंटेज हमारा अच्छा होगा। थर्ड फेज़ के अंदर हम और अच्छे से वोट करेंगे, और गुवाहाटी एक अर्बन सेंटर होने के नाते हर बार कम वोटिंग परसेंटेज के लिए जाना जाता है, पर मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार जो है हम इस धारणा को तोड़ पाएंगे, और हमारी गुवाहाटी की जो वोटर्स हैं बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे और आके पोलिंग करेंगे।